हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैंने आपका अध्याय एक बहुपद को स्टार्ट कर चुका हूँ। और अभी तक मैंने आपको बहुपद के संबंधित दो आपको पार्ट दे दिए, दो भाग दे दिए। फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था एक नंबर वाले क्वेश्चन, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सेकेंड क्लास में हमने बात किया होता दो नंबर वाले क्वेश्चन पर। आज मैं बात करने वाला हूं अध्याय एक का बहुपद के भाग तीन के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पर मैं तीन नंबर वाले क्वेश्चन जो थोड़ा सा लंबी बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था, मिशन का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं कक्षा दसवीं विषय गणित को ले रहा था, आपको अच्छे से समझा रहा था। हमने पार्ट टू तक डिस्कशन कर लिया है, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थ्री के बारे में। तो चूक न जाना, अच्छे अंक पाना, इस बार परीक्षा को पार है कर जाना, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधा आते हैं अपने मुद्दे पर, और हमारा मुद्दा है क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको हल करना। आ जाइए, तो यहां पर आपको एक खूबसूरत सा क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो कि बोलता है सिद्ध कीजिए कि 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, दो तरीके, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझकर जाना पड़ेगा। सेकंड नंबर में क्या पूछ सकता है, बहुपद 2y³ + 4y² + 3y + 1 हो तो y+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें यहां पर दो बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद को हमें इस बहुपद से भाग देना है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस बहुपद को हमें इस बहुपद से भाग देना है। तो जैसे हम सामान्य अंकों को भाग देते थे ना, उसी प्रकार से भाग देंगे। अब यह जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, हाँ, लेकिन मैं आपको मेथड सिखा दूंगा ना, तो उस बेस में आप कितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आ जाइए। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, देखो। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, ठीक है। अब देखिए, जैसे बच्चों हम सामान्य अंकों को भाग देते हैं, चलो मैंने कहा कि 26 को आपको 5 से भाग देना हो, तो आप भाग कैसे देते हो, कुछ इस प्रकार से भाग देते हो। ये हमारा कहलाता है भाज्य और ये हमारा कहलाता है भाजक। अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 × 5 = 25 यहां पर आ चुका। घटाएंगे इसको, शेषफल हमें क्या मिला, 1 मिला। भागफल हमें क्या मिला, 5 मिला। भाज्य हमारा क्या था, 26 था, और भाजक था हमारा 5। तो उसी प्रकार से मैं यहां पर इसको अरेंज करके लिखना चाहूंगा, कैसे, देखो देखो। तो यहां हमें दिया गया है भाज्य, देखो भाज्य मतलब कि जिसको भाग देना है, तो किसको भाग देना है, इसको, इस वाले बहुपद को भाग देना है। तो ये हो जाएगा 2y³ + 4y² + 3y + 1, ये है हमारा भाज्य। अब भाजक, भाजक किसको बोलेंगे, तो जिससे भाग देते हैं, तो किससे भाग देना है, हमें किससे भाग देना है, तो हमें भाग देना है y+1, ठीक है। वापस से वही बात, पेन और कॉपी, एक योद्धा का हथियार क्या होता है, उनका हथियार, एक योद्धा का हथियार उसका जो भाला होता है, जो उसका लड़ने के लिए जो उनकी सामग्री होती है, वो सब उनका हथियार होते हैं बच्चों। तो आपको भी अपना पेन और कॉपी निकालकर बैठ जाना, ठीक है। चलिए, तो अभी तक मैंने क्या किया, दो चीज किया है, क्या क्या किया है, भाज्य बराबर लिख लिया, भाजक बराबर लिख लिया। अब इसको इससे भाग देना है, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू स्लाइड एड करूंगा और वहां पर मैं आपको भाग देना सिखाता हूं, आ जाओ। तो भाग देंगे तो कैसे करेंगे, जैसे सामान्य अंकों को भाग देते थे ना, उसी प्रकार से इसको भी भाग देने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ लाइनें बनाऊंगा, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, ठीक है, एक सेकंड, चलो ये, ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। देखो, अब बारी ये आती है कि सर हम कहां पर किसको लिखे, तो यहां पर हमारा आता है भाज्य। तो भाज्य हमें क्या दिया गया था, एक बार देखते हैं, तो 2y³, ये है 2y³ + 4y², ठीक है, 4y², फिर क्या था, 3y + 1। अब इसको भाग देना, किससे भाग देना, भाजक हमारा है, y+1 से भाग देना है, और यहां पर हमारा आएगा शेषफल और यहां पर हमारा आएगा भागफल। तो हमें क्या बोला गया था, सिद्ध करना है कि इसको इससे भाग देने पर शेषफल का मान शून्य आएगा, या फिर इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निकालना है। तो हमें यह तो पता चल चुका कि शेषफल है वो जीरो आने वाला है। आ जाओ,
अब इसको भाग देने का मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां के पहले वाले पद को देखना है, पहले वाले पद को चलो देखो और उसको उतार दो रफ में। क्या दिया गया है, 2y³ दिया गया है। अब इसको किससे भाग दे दो, इसके पहले वाले पद से, भाजक के पहले वाले पद से भाग दे दो। चलो इसको मैं इसके नीचे में लिख रहा हूं, पहले वाले पद बस को लिखना, दोनों पद को नहीं, पहले वाले पद को, इसका पहला वाला पद और इसका पहला वाला पद, दोनों को मैंने भाग दिया। देखो यहां पर 1y है और यहां पर 3y है, तो 2y कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 तो है। अब यहां पर y की घात 3 था, 1y कटा हुआ है, तो क्या मिल जाएगा, 2y की घात 2। अब इसी 2y की घात 2 को आपको लिख देना है भागफल की जगह में, 2y की घात 2 हो चुका। यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। चलिए अब इसे 2y की घात 2 का गुणा ना आप भाजक के दोनों पदों से गुणा कर दो। तो बच्चों 2y की घात का गुणा मैं अगर y से करूंगा तो वापस से मुझे मिल जाएगा 2y की घात 3, क्योंकि यहां पर y की घात 1 है और यहां पर y की घात 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो y की घात क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर 2y की घात 2 का गुणा हम करेंगे 1 से, तो अगर इसका गुणा मैं 1 से करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, 2y की घात 2 ही मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, सामान्य अंकों में घटाते हैं ना, तो इसी प्रकार से यहां पर भी घटा देंगे। आ जाओ घटा देते हैं, चलो यहां पर मैंने घटाने का चिन्ह लगाया। ऊपर में देखो जब घटाते हैं तो नीचे वाले दोनों का चिन्ह हो जाता है परिवर्तित। यहां पर ये प्लस में था तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा, ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में बदल जाएगा। ऊपर वाला 2y³ जो है वो धन में है, धन चिन्ह दिखता नहीं है लेकिन वहां पर धन होता है, और ये माइनस में, तो ये 2y³ और ये 2y³ दोनों कट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं काटना है, बस इसको माइंड में रखना कि दोनों कट चुके, तो यहां पर हमें मिलेगा 0। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है इसकी, तो y की घात 2 यहां पर भी है, y की घात 2 यहां पर भी है, तो यहां पर 4y की घात 2 है और यहां पर 2y की घात 2 है। अब यहां पर धन को हमने बदला है ऋण में, तो बच्चों इसमें ये घटने वाला है, तो 4 में मैं अगर 2 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2y की घात 2 मिल जाएगा। बाकी को उतार देते हैं, बाकी का क्या है, 3y+1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हमारा नया भाज्य हो जाएगा, भाजक वही रहेगा, तो जैसे हमने यहां पर किया था उसी प्रकार से अब भी करेंगे। तो इसके पहले वाले पद को देखेंगे, पहले वाले पद में क्या है, 2y की घात 2 है, इस 2y की घात 2 को भाजक के पहले वाले पद के साथ भाग दे देना। तो भाजक का पहला वाला पद क्या है, वाई है, तो इसको मैं वाई से भाग दे दूंगा। आओ भाग देते हैं, तो यहां पर y की घात 2 यानी कि y 2 बार में है और 1y नीचे में है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 2 तो रहेगा ही रहेगा, y की घात में बच जाएगा 1, क्योंकि 1y कट चुका, तो y की घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसी 2y को हम लिखते हैं यहां पर, धन करके लिखेंगे, धन 2y, धन का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि यहां पर भी धन का चिन्ह है और जनरली हम यहां पर पहले वाले पद को धन को लिखते नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की कहानी सुनिए, अब क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इस 2y का गुणा इसके साथ करते हैं, भाजक के साथ करते हैं, भाजक के जितने भी पद रहते हैं उसके साथ करते हैं। तो 2y का गुणा मैं इससे करूंगा y से, तो ये हो जाएगा 2y की घात 2 हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि y की घात यहां पर 1 है, यहां पर y की घात 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो 2y का गुणा अब मैं करूंगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2y, चलो इसको मैंने उतार दिया। अब यहां पर लाइन खींचते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। ऊपर वाला 2y की घात 2 प्लस में है और नीचे वाला 2y की घात 2 माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल, मिलेगा 0। 0 को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पर 3y है और यहां पर 2y है, ये धन में नहीं है, इसको हमने बदल दिया है ऋण में, ध्यान देना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 3y में हम 2y को घटा देंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा y। अब देखो यहां पर प्लस 1 है, प्लस 1 को मैंने उतार दिया, अब ये हमारा बन जाएगा नया भाज्य। अब नए भाज्य को इसी भाजक के साथ फिर से हमें भाग देना है। आ जाओ इसके प्रथम पद क्या है, y है, और इसका प्रथम पद क्या है, y है, दोनों को भाग देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, 0 नहीं, 1, भाग वाले को काटते हैं तो 1 मिलता है, तो 1 यहां पर लिखा जाएगा, धन के साथ लिखाएगा, ये हो जाएगा धन 1, धन 1 को लिखा। अब इस 1 का गुणा हम y प्लस 1 से करेंगे तो हमें y प्लस 1 ही मिलने वाला है, दोनों को घटा देंगे तो ऊपर में y है और नीचे में y है, ये भी कैंसिल, ऊपर में धन है और नीचे में ऋण 1 है, दोनों कैंसिल, तो हमें मिला क्या, हमें मिला 0। हमें क्या मिला, शेषफल का मान मिल चुका है 0, और यही तो हमें सिद्ध करना था ना बच्चों, कि y का मान आना चाहिए, शेषफल का मान क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, देख लीजिए शेषफल का मान आ चुका है 0। बस इतना ही काम करना है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन को रटना बिल्कुल नहीं है, बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन को रटना बिल्कुल नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, y की जगह आपको 1 से दे दिया जाएगा, यहां पर प्लस दिख रहा है तो माइनस दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम चिन्हों को एकदम अच्छे से
करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया। चलो बाकी को मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। चलो ये है हमारा काम का चीज, इस प्रकार से इसको भाग देना रहेगा। हमें पूछा क्या आ गया था क्वेश्चन में, हमें पूछा गया था कि भागफल एवं शेषफल, शेषफल का मान तो आया जीरो और भागफल का मान ये आया, अतः हम अपने लास्ट लाइन में उत्तर को लिखेंगे। अतः भागफल बराबर हमें क्या मिला, तो भागफल हाँ बराबर हमें मिला हुआ है 2y² + 2y + 1 तथा शेषफल, चलो शेषफल को हम भी लिख देते हैं, क्योंकि शेषफल का मान तो जीरो आएगा, ये पहले बोल दिया गया था, यहां पर ये हो जाएगा जीरो। तो अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा तो नीचे में लिखना यही सिद्ध करना था, अगर मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता तो आपको यहां पर लिख देना आंसर, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के लिए पूछते हैं, और ये क्वेश्चन देख लीजिए छत्तीसगढ़ 2020 सेट सी में पूछा गया था, इसी प्रकार के क्वेश्चन सेट ए में सेट बी में भी पूछा गया था, इसको सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है। चलो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 पर, जो कि बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। चलिए पढ़िए, यदि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² - 5x + 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो, तब शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय की मदद से। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना बच्चों मैंने सिखा दिया है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। करेंगे क्या, यहां पर जो हमें दिया गया था x+1 ना, उसी को मैं 0 के बराबर ले लूंगा, उससे पहले मुझे जो दिया गया है उसको मैं उतारना चाहूंगा। तो हमें दिया गया था बहुपद, तो दिया है बहुपद, दिया है बहुपद, चलो तो बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, चलो बोलो x³ + 3x² - 5x + 8 ये हमें बहुपद दिया गया है, हमें निकालना शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यह है हमारा भाजक, क्या है x+1 हमारा भाजक है, इस भाजक को मैं 0 के बराबर ले लूंगा, क्या करूंगा 0 के बराबर ले लूंगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो चूंकि x+1 = 0 पर यहां से हमें मिलेगा x = -1, मैंने 1 को पक्षांतर किया तो हमें क्या मिला x = -1 मिल चुका है। अब x = -1 है इसका हम करेंगे क्या, मुद्दा यह है कि x = -1 का हम करेंगे क्या, तो करना क्या भैया, करना क्या, x = -1 को आप लिख दो बहुपद में, जो बहुपद आपको दिया गया था वहां पर आप उसको रख दोगे, आपको शेषफल मिल जाएगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्या, अतः x = -1 दिए गए बहुपद में रखने पर, मैंने बच्चों आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइप्स ऑफ हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, कंसेप्ट को सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, बार बार बोलता हूं इस वर्ड को, जरूरी नहीं है कि यही जो क्वेश्चन आए, हाँ इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने के लिए मिल सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो x = -1 हम दिए गए बहुपद पर रखने वाले हैं, तो यह है हमारा दिया गया बहुपद। अब यहां पर पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपको रखना है ऋण एक, चलो दूसरे वाला साइड में रख दो क्या, नहीं रखता हूं, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब यहां पर ये है हमारा बहुपद दिया गया था x³ है तो x की जगह रखना है -1 की घात पे लगाना है 3, फिर प्लस है तो +3 है, फिर x की जगह रखना -1 की घात में है 3, -5 x की जगह रखना -1 प्लस ये हो जाएगा 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अब यहां पर बच्चे फंसने वाले हैं, क्या करेंगे -1 की घात में है 3, देख ले बच्चों माइनस के घात में क्या है 3 है, तो अगर आपको माइनस के घात में अगर आपको विषम संख्या देखने के लिए मिलता है, अगर माइनस के घात में क्या मिलता है विषम संख्या देखने के लिए मिलता है, तो हमेशा आपको रिजल्ट किसमें मिलेगा माइनस में मिलेगा, तो इसका रिजल्ट तो आएगा माइनस में, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 का 1 से ही 3 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या, कई बच्चे फिर से गलती करेंगे 1 का गुणा 3 से करेंगे जो कि गलत है, ऐसा करना ही नहीं है आपको, 1 का गुणा 1 से ही करना है 3 बार करना है वो भी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। फिर यहां पर धन है और यहां पर ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा ये हो जाएगा ऋण, उससे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देखो अब ऋण के घात में आपको दिख रहा है 2,
दो क्या है, सम संख्या है। तो अगर आपको ऋण के घात में दिख गया सम संख्या, इसका मतलब ये ब्रैकेट का मान तो आएगा धन में, ऋण बदल गया किसमें, धन में। मैंने आपको तरीका बता दिया, ऋण के घात में अगर सम संख्या है तो धन में आएगा, ऋण के घात में अगर विषम संख्या है तो ऋण में आएगा। तो धन और धन ये भी धन हो जाएगा, तो धन 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 ही हो जाएगा। तीन का गुणा करेंगे एक से तो तीन एक कम तीन हो जाएगा। फिर यहां पर ऋण एक, ऋण पांच है और यहां पर ऋण एक है, तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा ये धन, फिर ये आ जाएगा पांच, फिर यहां पर अंतिम में क्या है आठ है। चलो आठ को मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा आठ और पांच हो जाएगा तेरह, तेरह और ये तीन, तेरह और तीन हो जाएगा सोलह, सोलह में हम उस एक को घटा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऋण पंद्रह। सॉरी ऋण पंद्रह क्यों, पंद्रह मिलेगा ना, क्योंकि पंद्रह जो यहां पर देखो सोलह जो है बड़ा था, सोलह में हम एक को घटाएंगे तो हमें मिलेगा पंद्रह। तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू हमें मिल चुका है पंद्रह, अतः शेषफल बराबर हमें क्या मिला, पंद्रह मिला। लास्ट लाइन में उसको लिख देंगे, चलो आ जाओ। अतः शेषफल बराबर क्या मिला, पंद्रह है। यह है हमारा फाइनल आंसर। इतना अगर आप लिखते हो तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, पूरा में से पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये प्रश्न क्रमांक तीन। देख लो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया गया है। देखो बहुपद 4√3x² + 5x − 2√3 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। देखिए देखिए ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था, लेकिन क्या पता इस साल पूछ दे भैया, क्या पता पूछ देना। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने करा दिए हैं, और ये इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतने को ही आपको पढ़ना है, कंसेप्ट को सीख जाना है। चलिए आ जाओ, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने लिखा हल, क्या करेंगे सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको मैं पहले लिखना चाहूंगा। तो दिया है बहुपद, क्या बहुपद दिया गया है, तो ये दिया गया 4√3 फिर x की घात 2 प्लस 5x − 2√3, ये हमें बहुपद दिया गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको हमें करना है गुणनखंड, कैसे करेंगे गुणनखंड। देखो गुणनखंड करने वाला मैंने आपको एक नंबर में भी बताया हुआ था, जहां पर मैं उसको फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व किया था, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मुद्दा ये है। देखिए तो आपको करना क्या पता है, जो बहुपद दिया गया है ना उसकी तुलना करना है, किससे तुलना, किससे करेंगे, तो तुलना मैं करूंगा ax² + bx + c से करने जा रहा हूं, रफ में कर रहे हैं। अब इससे तुलना करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है एबीसी का मान। यहां पर पहले वाले पद को देखते हैं, x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक ही जगह क्या बैठा हुआ है, 4√3 पूरा को लेना है, x² छोड़ना है, और ये मिलाएगा, तो a बराबर हमें मिल चुका है 4√3, ये है हमारा a का मान। अब चलते हैं दूसरे वाले पद में, दूसरे वाला पद क्या है, बी एक्स है, अब यहां पर क्या है 5x है, x है और ये x है, यहां से कैंसल, तो b बराबर हमें क्या मिल चुका 5, तो b बराबर क्या मिला, b बराबर ये हो चुका 5। c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर देखिए कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर आप यहां पर धन 5 क्यों लिखे, भाई ये धन 5 ही है, देख लो हम प्लस को लिखने की जरूरत नहीं समझते, पहले वाले पद में धन को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान दिया है, क्योंकि अब यहां पर फिर से देखो बच्चे गलती करेंगे, सी बराबर निकालेंगे 2√3, गलत गलत जवाब, पूरा चिन्ह को ध्यान में देना भैया, भैया चिन्ह को देखना है, सी बराबर क्या लिखेगा −2√3, ये हो जाएगा सी बराबर −2√3, इसको मैं आपको रफ में सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम करेंगे क्या, इस एबीसी का मान हम करेंगे क्या, देखिए यहां पर हम करेंगे क्या बच्चों, इस ए का गुणा मैं करूंगा इस सी के साथ, ए का गुणा मैं करूंगा किसके साथ, सी के साथ करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं चिन्ह को ध्यान नहीं दे रहा हूं, अभी मैं चिन्ह को ध्यान नहीं दे रहा हूं, केवल मैं 4√3 का गुणा करने जा रहा हूं 2√3 से, तो 4 का गुणा होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8, अब √3 का गुणा होगा √3 से। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक जो है वर्गमूल में है और एक जो है बिना वर्गमूल में है, तो वर्गमूल का वर्गमूल के साथ होता है गुणा और बिना वर्गमूल का बिना वर्गमूल के साथ होता है गुणा, तो 4 जो है वो बिना वर्गमूल वाला है और 2 भी बिना वर्गमूल वाला है, तो 4 का पहले मैंने किया 2 से गुणा, 4 × 2 = 8, वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, तो ये बन जाता है 3, क्या बन जाता है 3 बन जाता है, तो ये हो जाएगा गुणा में 3 8 दिया, ये हो जाएगा 24। अब हमें इस पर फोकस करना, किस पर, 24 पर।
अब इस 24 का करेंगे क्या? अब देखिए मुद्दा ये 24 का करेंगे क्या, देखिए बच्चों 24 का करना क्या है, देखो 24 को ध्यान में दो और इसके मध्य वाले मिडिल वाले टर्म को ध्यान में दो, यहां पर क्या है 5x है और यहां पर 24 है, तो हमें पांच को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, हमें 5x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसे मैं गुणा करूं तो मुझे मिले 24, और जिसे मैं धन या फिर ऋण करूं, जोड़ू या फिर घटाऊं, तो मुझे मिलना चाहिए 5। मैंने क्या बोला कि हमें 5 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, किसको तोड़ना है, इस 24 को नहीं तोड़ना है, तोड़ना किसको है, मध्य वाले पद को, तो मध्य वाले पद को तोड़ूंगा, तो तोड़ेंगे कैसे, 5 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसे हम गुणा करें तो मिलना चाहिए 24, और जिसे हम जोड़ दें या फिर घटा दें तो 5 मिलना चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, संख्याएं तो बहुत सारी है, तो उनमें से कौन संख्याएं हमारे काम में आने वाली, मुद्दा ये है, तो इसको पहचानने का तरीका होता है, देखो 24 का आप निकाल दो फैक्टर, मतलब कि 24 जो है वो कौन कौन संख्याओं के पहाड़े पर आता है, तो 24 जो है एक के पहाड़े पर आता है, दो के पहाड़े पर आता है, तीन के पहाड़े पर आता है, चार के पहाड़े पर आता है, पांच के पहाड़े पर नहीं आता, छह के में आता है, सात के में नहीं आता, आठ के में आता है, नौ के में नहीं आता, दस के में नहीं आता, ग्यारह के में नहीं आता, बारह के में आता है, और स्वयं 24 के पहाड़े में आता है। देख लीजिए इतने सारे के पहाड़े में आता है 24, तो जो मैं दो संख्याएं बोल रहा था ना, वो दो संख्या इन्हीं में से कोई दो संख्या होने वाली है। अब पहचानना है कि वो दो संख्या कौन कौन सी है, देखिए तो देखो बच्चों अगर मैं 8 का गुणा कर दूंगा 3 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 24, मुझे 24 लाना भी था, ऐसी दो संख्याओं तुम्हें तोड़ना है जिससे मैं गुणा करूं तो 24 मिलना चाहिए, 8 और 3 का मैं गुणा करूंगा तो मुझे 24 मिल रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद फिर क्या था, जोड़े या फिर घटाएं तो 5 मिलना चाहिए, तो इन्हीं दो संख्याओं को देखते हैं, अगर मैं 8 में 3 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल चुका, 5 मिल चुका, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। यानी कि बच्चों हम 5 को कैसे लिखेंगे, 8x - 3x लिख देंगे, हमारा काम पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस यही आपका मेन खेल रहता है, यहीं पर आपको दिमाग लगाना रहता है, इतना कर लिया तो आपका 80% काम हो चुका, बस 10% उसको लिखना बस बाकी रह चुका। चलिए मैंने हर चीज आपको अच्छे से समझा दी ना, यहां से इसको मिटाते हैं, चाहा तो इसको अपने रफ में लिख भी सकते थे लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आ जाओ अब इधर आ जाओ, देखो फिर यहां पर क्या करेंगे, देखो मैं क्या बोला था, पहले वाले पद को उतार दो एज इट इज और लास्ट वाले पद को उतार दो एज इट इज। हमें जो मेन फोकस करना था वो 5x में था, और 5x को हमने दो संख्याओं में तोड़ा हुआ था, धन 8x करेंगे और ऋण 3x करेंगे, धन 8x में ऋण 3x को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऋण 5x मिल जाएगा। अब इसको गुणांकों को गुणा करूंगा 8 और 3 को तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। दोनों काम हो चुके, दोनों सेटिस्फाई हो चुके। चलो यहां पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इतना करते ही आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये पहला हो गया और ये हमारा हो चुका दूसरा, ठीक है, ऐसे लाइन नहीं बनाना है कौन सा चीज में, बस आपको समझने के लिए था। अब देखिए यहां पर चार है, यहां पर चार दिख रहा है क्या, चार दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम आठ को क्या लिख सकते हैं, दो गुणा चार, चार दूनी आठ होता है, तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर चार दिखा, यहां पर भी चार दिखा, मैं दोनों जगह से चलो ना चार को निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर एक से की घात दो है, यानी कि दो एक से है और यहां पर एक एक से है, तो एक एक से यहां से और एक एक से यहां से भी कॉमन निकाल लूं क्या, निकाल लेते हैं, चार को कॉमन निकाल ले तो क्या बचा हुआ था, वर्गमूल 3 बचा हुआ था, एक से स्क्वायर था, एक एक से को कॉमन निकाले हैं, अभी भी एक एक से बचा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर एक से को कॉमन निकाले थे और 8 को हमने लिखा था 4 गुना 2, चार को कॉमन निकाले थे तो धन के साथ में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, धन के साथ में क्या मिल गया, 2 मिल गया। आगे की कहानी सुनो, यहां पर ऋण है, यहां पर ऋण है, चलो ना मैं दोनों जगह से ऋण को ही कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, ऋण को कॉमन निकाल लिए, फिर क्या दिखेगा, यहां पर मुझे एक से दिख रहा है, यहां पर एक से नहीं दिख रहा है, तो एक से तो कॉमन नहीं निकलने वाला। अब यहां पर हमें देखो सोचना पड़ेगा, तीन है और यहां पर वर्गमूल 3 है, तो 3 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे वर्गमूल 3 से तो वापस से हमें 3 मिलता है, ठीक है। तो मैंने 3 को लिखा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो यहां पर भी वर्गमूल 3 है और यहां पर भी वर्गमूल 3 है, दोनों जगह से मैंने वर्गमूल 3 को कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर बचा क्या, एक वर्गमूल 3 को कॉमन निकाला तो अभी भी एक वर्गमूल 3 बचा हुआ है, साथ में क्या है, ये एक सा है। अब देखो यहां पर माइनस चिन्ह को हमने कॉमन निकाला था तो माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल
निकाल लिए तो माइनस बदल जाएगा अब धन में। वर्ग में तो तीन को कॉमन निकाल लिए थे तो यहां पर अभी क्या बचा हुआ है, दो, तो ये हो जाएगा दो। अब जो ब्रेकेट में आया हुआ है, जो ब्रेकेट में हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वो सेम होने चाहिए, तभी अभी तक आपने जो काम किया है वो सही हो जाएगा। ब्रेकेट में हमने लिखा है वर्गमूल तीन एक से धन दो और यहां पर भी वर्गमूल तीन एक से धन दो आया है, मतलब कि अभी तक हमने जो काम किया है वो पूरा का पूरा सही है। यहां से दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों को कॉमन निकाल लो, तो वर्गमूल तीन एक से धन दो को कॉमन निकाला मैंने, फिर यहां पर ब्रेकेट में क्या बच जाएगा, इसके इसको कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा होगा, फोर एक्स बचा है, इसको हमने यहां पर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा है, माइनस माइनस ये हो जाएगा वर्गमूल तीन और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस देख लीजिए द्विघात, जो द्विघाती बहुपद दिए गए थे ना, द्विघाती बहुपद के हमेशा दो गुणनफल प्राप्त होंगे, दो गुणनखंड प्राप्त होंगे, कितने, दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं और दो शून्य प्राप्त होते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द्विघाती बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो दो शून्य होते हैं, एक घाती बहुपद के एक शून्य निकलेंगे, त्रिघाती बहुपद के तीन शून्य निकलेंगे। तो दिए गए जो बहुपद था वो द्विघाती बहुपद था, तो उसके दो गुणनखंड प्राप्त हुए और इसके दो शून्य भी निकाल लेंगे, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा गया था केवल गुणनखंड पूछा गया था। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चार लाइन इसको सॉल्व करना है, लेकिन चार लाइन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले रफ में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या है कैसे है। मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके को आपको अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो इस तरह से मैं अगर बात करूं तो अध्याय जो हमारा था, अध्याय एक बहुपद के आपको मैंने तीन पार्ट के वीडियो दे दिए, फर्स्ट पार्ट में एक नंबर वाले क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में दो नंबर वाले क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में हमने तीन नंबर वाले क्वेश्चन के बाद में बात कर लिया। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा स्पीड चला हुआ हूं क्योंकि मैं आपके एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आया हूं। अगर कई बच्चे को लगता होगा सर एकदम बेसिक से पढ़ा दो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा करके, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बच्चों एप्लीकेशन पर आइए, हमारे अभिप्सा ऐप के एप्लीकेशन पर आइए, वहां पर मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, बस आपके देखने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है, अब बारी आती है आपकी। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना बेसिक भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं कहना चाहूंगा कि एप्लीकेशन पर आओ, वहां पर मैंने सारा चीज आपको पढ़ाया हुआ है, वहां से आप जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगा बच्चों तो कमेंट करना, लाइक करना है और दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।